बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं कांग्रेस का इतिहास। इस देश ने 1948 में पहला घोटाला जीप घोटाला देखा था आपकी कांग्रेस की सरकार ने। जीप घोटाला तो शुरुआत की, कोयले घोटाले तक आपकी सरकार पहुंची है। इस देश का इतिहास है, कांग्रेस जब जब आगे बढ़ी है देश पीछे गया है, देश पीछे गया है। अरे आपके सामने आप लोगों में कोई शर्म हया है या नहीं है? आपकी राजनीतिक बेशर्मी की प्रकाशा नहीं तो और क्या है कि आप इस प्रकार से रावत पटेला के लिए आपके तीन तीन केंद्रीय मंत्री, आपके तीन तीन केंद्रीय मंत्री उतरते हैं। चलिए रावत पटेला के लिए आपके तीन तीन केंद्रीय मंत्री उनके पक्ष में ये कहते हुए उतरते हैं कि दो व्यक्तिगत, आप बात सुनिए। हरी जी आप बात को रखिए, बात रखिए। मेरा ये कहना है रॉबर्ट वडोरा के पक्ष में, जब आपके चिदम्बरम साहब ये कहते हैं कि ये दो व्यक्ति के आपस का मसला है, ये बिजनेस डीलिंग है, तो आखिर सुनिए, आप सुनिए, पूरी बात सुनिए। तो आपके तीन तीन केंद्रीय मंत्री बीच में क्यों उतरते हैं तमाशबीन बनने के लिए? अंबिका सोनी, चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद साहब को बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? दूसरी बात यह है, आप ध्यान रखिए, जिस रावत वडोरा की बात आप कर रहे हैं, ये वाड्रा साहब 2001 में अपने पिताजी से संबंध विच्छेद की घोषणा करते हैं। अगर इनमें इतनी ही नैतिकता है, आप सुनिए, ऋषि कुमार जी आपके, चलिए, अगर रावत वडोरा में नैतिकता है बची हुई है, उन्होंने अमिताभ जी इस तरीके से, हरी जी आप पूरी बात सुनिए मेरी। रावत वडेरा में अगर नैतिकता है तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने पिता से संबंध विच्छेद करता हूं, क्योंकि रावत वडेरा के पिता की बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर कुछ ज्यादा बहस हो रही है, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को सही चीज की जानकारी मिले, उनको यहाँ पर स्पष्ट आवाज भी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए, रुक रहे हैं फॉरवर्ड।